आज का जो व्लॉग आ रहा है ना, वो कुछ थोड़ा सा सीरियस मैटर पे व्लॉग आ रहा है। दीदी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस चीज को काट देना प्लीज। आज आज कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है तो लिमिट पूरी हो गई बहुत ही बेइज्जती के साथ। तुम भी नहीं जाना है, मतलब तुमको जाना है कि नहीं? नहीं। कि क्या है? नेल पेंट लगाना है। ये देखो कितनी सारी लेके बैठी है, ये अभी मैं लेके आई हूँ। काट देना, काट दूंगी काट दूंगी, टेंशन मत लो। भरोसा क्यों जल्दी बता क्यों हंसी? फिल्टर लगा लूं? पहले लगा लेना चाहिए था, इतना डरा क्यों दिया मेरे को देख के कि रे वो बॉब कितने गंदे लग रहे हैं। चलो अभी हम आए हैं। हमारी नींद खुल गई तुम्हारी आवाज सुन के, आज इनकी दिल्ली में ही बैठ के हम कर रहे हैं। चटा कर रही हैं, चला जा इनके थोड़े मजे लेके चलूंगी आज। अरे हम थक गए थे, हम यहाँ पे आए तो उपास था, तो ऐसे चक्कर से आने का है उपास। आज उपास था मेरा तो चक्कर आए। हाँ तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था तो मैंने सोचा यही ठंडी हवा में बैठ जाते। हमारा क्यों बना लिया वीडियो तुमने? ऐसे ही तुम अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही है? नहीं भैया। अरे नहीं सही में अच्छी लग रही हो, मेरी दादी जैसी लग रही हो ना, तो मैंने बोला देखो दादी जैसी दादी बेटी है तो मतलब दादी से बात कर लूँ थोड़ी सी जाके। और तुम तो कथा सुन रही थी इतनी बेहतरीन, प्रदीप जी की, मिश्रा जी की। हाँ वही सुन रहा था, हम भी बैठे बैठे अच्छी लग रही। हाँ हम भी मानते श्री शिवाय नमस्तो। और बैठो ना, तो सुन रही तो अब जा रहा है, अपना हमको ऐसा बोल दिया तो बेटो। अरे अब जा रहा है, नहीं नहीं उसको जाना, उसका फोन आ गया ना। अब जी कहो। हाँ देखो उसका मुँह कैसा हो गया जाने के लिए। काट देना, काट दूंगी काट दूंगी, टेंशन मत लो। भरोसा क्या करी तुम दोनों? ऐसी बकर बकर कर रही थी, मैं सो ही नहीं पाई। दीदी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस चीज को काट देना प्लीज। आज आज कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, जब तक नेहा तिवारी वो नहीं कटवाएगी। हाय किधर गई है? डर रही हूँ मैं। तो आज ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके लिए नेहा तिवारी कम से कम 10 फोन करेगी मुझे। या तो ये चीज कर लेंगे ना की डरा दिया मेरे को, या तो ये क्लिप कटेगी या तो मैं कटूंगी। तो और क्या लेना? कितनी प्यारी लड़की थी, क्यूट। कौन कौन? एक लड़की निकलती है, कैसे बाहर निकलते हैं। हाँ। अच्छा मैं उल्टा जा रही थी मतलब। ओहो तुम्हें इतने साल में अभी तक यही समझ में नहीं आया? अरे भाई तो मैं ये डायरेक्शन भूल गई ना, साल में क्या है। अरे मैंने पूछा के फिर कब मिलोगे, कैसे मर रही है नेहा तिवारी तो आज। बार 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 पे यही नाटक, बड़ी बड़ी आंखें करे में हाथ लगाए, चेन नहीं मिली तो डर गई मैं। चल वो गाना शुरू कर। मैंने पूछा के फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, कितना गंदा मुंह बना के गा रही है, ऐसे लोगों को देख गा ले तू तो। हाँ चल बोल बोल। तुम तो दिल में समाए हुए हो, मिलने की जरूर। तुम अच्छे से देख के नहीं चली ना, ऊपर ही मिलेंगे दोनों। अभी गाड़ियाँ देख रहे थे टकर टकर दौड़ रही इधर से उधर, भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग आ रहा है ना, वो कुछ थोड़ा सा सीरियस मैटर पे व्लॉग आ रहा है। मतलब उसमें शायद आपको कुछ भी फनी ना दिखेगा, क्योंकि ये एक औरत की ज़िंदगी से रिलेटेड व्लॉग है कि एक औरत मतलब कितना करती है, क्या करती है,
मम्मी का भी फोन अभी आना था। अभी मैं जो सीरियस बात थी वो थोड़ी बात को रोकूंगी, क्योंकि अभी मम्मी का फोन आया। मम्मी बोल रही है पापा को मीठा खाना है, तो जाके मिठाई लेके आ जा। तो मैं पहले मिठाई लेके आऊँगी पापा के लिए, फिर उसके बाद में मैं आपको जो सीरियस बात है ना वो पूरी बात बताऊँगी। तो प्लीज़, बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ मैं, प्लीज़ सुन ज़रूर लेना, क्योंकि ये एक औरत की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है और औरत को कभी मजाक में मत लेना। अगर औरत को मजाक में लिया ना तो मजाक बन जाता है, ध्यान रखना। आती हूँ मैं, ज़रा मिठाई खिला दूँ पापा को लाके। ताजी वाली मिठाई दे दो आधा किलो, पापा ने बोला है। और आधा किलो का खारे का पैकेट भी दे दो अंकल जी। ताजी नहीं चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पापा ने मंगवाई है। ताजी तो है ना, थोड़ी सी टेस्ट करवा दो मेरे को। कर लो, लो। थोड़ी सी टेस्ट करवा दो, ये एक नंबर कर दो, आधा किलो। इस पे भी कोई वीडियो बना दूंगी तुम्हें, समझ रहा हूँ। चलो अच्छा है। पापा ने खाना खाया तो बोले मीठा लेके आ जाओ। अच्छा हाँ, तो ये हमारे यहाँ की बहुत बहुप्रसिद्ध दुकान है मिठाई की, अवस्थी मिठाई शॉप ना, है ना अंकल जी? हाँ। इसी नाम से, जो कि बिल्कुल माता जी के मंदिर के सामने है। अब मैंने सोचा पापा के लिए मिठाई लेने आई हूँ तो क्यों ना थोड़ी बहुत पानी फुल्की खा के ही जाऊँ। यहाँ से बड़ी अच्छी पानी फुल्की मिलती है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, तो मस्त थोड़ी सी पानी फुल्की खाऊंगी। क्योंकि घर पे मम्मी ने बनवाई है क्या, लौकी दाल गड़ेली की बनी है हमारे यहाँ, लौकी की सब्जी और चने की दाल। पता नहीं मम्मी को लौकी में क्या समझ में आता है, मुझे तो उसको देख के बुखार आ जाता है लौकी को, कैसे खाते मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो मिठाई के साथ साथ थोड़ा सा मेरा भी लालच था कि मैं पानी फुल्की खा लूँगी, तो इसलिए मैं मिठाई लेने भी आई हूँ। अब मैं खाऊँगी यहाँ पर पानी फुल्की। गपागप फुल्की खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो लिमिट पूरी हो गई, बहुत ही बेइज्जती के साथ खा तो लिया था, पैसे भी देना पड़ते हैं। फिर बताओ क्या किया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना मैंने क्या किया खाने के बाद, किस तरीके से पेमेंट हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। क्या बोल रही ए? हिंदी में बोल। कहाँ जाना है? बाहर जाना है। कहाँ पे? कहाँ से जाना है? गाड़ी से? कौन चलाएगा गाड़ी? माँ। और पीछे कौन बैठेगा? पापा पीछे बैठोगे? कलर वाले बम फूट रहे थे, कितने अच्छे लग रहे हैं। डरते थोड़ी है बम से, किसी ने बम फोड़ा है। अब मैं बाजार से आ गई हूँ, अब मिल्की ने मुझे देख लिया गाड़ी पे, अब मिल्की गाड़ी की चाबी लेके खड़ी है, बोले चलो मुझे भी लेके चलो। कहाँ जाना दीदी आपको? बाहर घूमने? घूमने जाना है आपको? गाड़ी पे जाओगी? मेरा बेटा चले ना, जाना है गाड़ी से जाना है? मैं जाना हूँ, तुझे अकेली को जाना है? कहाँ जाना है? भान जाना है। बाहर कहाँ जाना है जल्दी बता। बाहर जाना है तो गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहाँ है मैंने पाँच? कहाँ है गाड़ी की चाबी? कहाँ है? गिरा दी, घुमा दी। अब पैदल चले अपन क्या? मिको दीदी इधर देखो, पैदल चले अपन। गोद में चलोगी आप मेरी? आप मेरे को गोद में उठा लोगी?
दीदी आप मेरे को गोद में उठा के ले चलोगी? चलो मेरी गोद में आ जाओ, चलो चलो आप मेरी गोद में आ जाओ, ठीक है? तो आ गई हूँ मैं पानी फुल्की खा के। तू भी आ गई खा के? मैं भी आ गई खा के। तू कितनी खा के? मैंने 20। कितनी खाई? 20 रुपए की? हाँ 20 फुल्की, 1 2 3 20 फुल्की, दो दो ने खाए मैंने। क्या बात कर रही है, जल्दी जल्दी खिलाए कि देर देर से खिला? ओ तो 5-6 लगे हुए थे साथ में। के 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 कौन से खा के? जो फ्लेवर वाले खा के ही क्या? नहीं फ्लेवर वाले नहीं, मैं हाजमा जम खा के। हाजमा जम मैं भी खा के ही। पता मेरे साथ क्या हुआ बता? ये डेली रूटीन वाले मैं डेली रूटीन वाले खा के। मेरे साथ पता है, पता है क्या हुआ वहाँ पे? पता है क्या हुआ? खा तो लिया, जब पैसे देने की बारी आई तब लिमिट पूरी हो गई। फिर मैंने सोचा निशा को फोन करना, तो तेरी तो खुद लिमिट पूरी हो गई थी। 200 रुपए तो इनके करना है। वो क्या चाह रही है मिल्की? क्या है? नेल पेंट लगाना है। ये देखो कितनी सारी लेके बैठी है, ये अभी मैं लेके आई हूँ, ये देखो। उसको खोल के तोड़ना है, ढोलना है, खराब करना है बस, ढोलना है, लगाना नहीं है, उसको फैलावा करना है बस, और कुछ नहीं है। दोस्तों औरत की बात तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कैश साथ में लेकर नहीं चलते हो, ऑनलाइन पैसे साथ में लेकर चलते हो, तो पहले जितने का आप खाने वाले हो उतना उसका पहले पेमेंट करके देख लेना। पेमेंट हो जाए उसके बाद ही खाइएगा। अगर खाने के बाद पेमेंट नहीं हुआ ना तो पता नहीं है क्या हो सकता है आपके साथ में। तो वही मेरे साथ हुआ। पानी फुल्की भरने के बाद मैं अच्छे से पेट भर के जैसे ही ऑनलाइन जाने लगे पेमेंट के लिए, वैसी लिमिट पूरी हो चुकी थी। 2 मिनट के लिए मैंने पानी फुल्की वाले की तरफ देखा, वहाँ पे खड़ी पब्लिक की तरफ देखा, मतलब यार अब खा तो लिया है, क्या बोलें, कैश था नहीं हाथ में। फिर मैंने सोचा पहचान तो है नहीं जो उधारी कर दे वहाँ पर के कल दे के जाएंगे करके, और इतने लोगों के बीच में उधार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। फिर आप को क्या लगता है, मतलब कैसे क्या पेमेंट हुआ होगा, कैसे दिमाग चलाया गया होगा, किस तरीके से पेमेंट किया गया होगा, और क्या क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कि नीतू दीदी इस तरीके से पेमेंट हुआ, तो मैं भी पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग भी मेरे लिए मतलब कहाँ तक क्या सोचते हो। लेकिन पानी फुल्की बड़ी टेस्टी थी यार। पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, या फिर मैं बिना पेमेंट करे वहाँ से आ गई पब्लिक में से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी से पेमेंट करवा भी सकती हूँ, उधार भी कर सकती हूँ, या बिना पैसे दिए वापस आ गई हूँ। तो ज़रूर से कमेंट में बताना कि आखिर हुआ क्या होगा। बाद में मैं जो औरत की दुख दर्द तकलीफ है वो आपको सब में बाद में बताऊँगी, सेकेंड व्लॉग में आएगा, ठीक है? ये व्लॉग क्योंकि थोड़ा सा अलग ही बन रूप में चला गया, शुरुआत तो औरत को लेकर ही हुई थी व्लॉग में, लेकिन वो दूसरी वे में जाने के बाद में खाने पीने के वे में घुस गया है वो व्लॉग। तो बस मुझे सिर्फ कमेंट में इतना पूछना है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कैसे पेमेंट हुआ होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है। तो मेरे चैनल का नाम है भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। थैंक यू, बाय बाय।